छोटे होने से लेके ना बड़े होने तक हम एक चीज पढ़ते हैं, नशा अभिशाप है, नशा अभिशाप है। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति नशा करता है, वो ना केवल उस व्यक्ति का लेकिन उस पूरे परिवार की जिंदगी जो है ना उसके अस्त व्यस्त हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। क्योंकि आज हम बात करेंगे नशे पे। नशा यार एक ऐसा अभिशाप जो ना केवल आपकी, आपके परिवार की, पर आपकी जो एक सोशल वेलबींग, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, सब चीजों को खराब कर देता है। चाहे वो शराब का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे ड्रग्स का हो, गांजा, खैनी, गुटखा, किसी भी चीज की। वो कहते हैं ना कि लत तो एक इंसान की भी बुरी है, मतलब किसी की भी अति हो जाए ना तो वो कहीं ना कहीं जाके ना हार्म ही करती है। तो आज हम बात करेंगे नशे को लेके। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा लेता है, खैनी लेता है, पान पराग लेता है, ठीक है, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम, इंजेक्शन ले रहा है, डाइसपम की गोलियां ले रहा है, या कोई भी ऐसा नशा, ठीक है, जिसका मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि इतनी तरह के नशे हो गए, मैं हैरान होती हूँ कि बच्चे ब्रेड में लगा के पॉलिश कैसे खा रहे हैं, ठीक है, वाइटनर का नशा हो गया, मतलब इतनी तरह के नशे हो गए ना, जब मेरे पास केसेस आते हैं ना मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। अच्छा, ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि आज मैं कुछ कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो आप खाने वाली चीजों के साथ ही अपने घर वालों को दे सकते हो, जो नशे की तलब को खत्म करेगा। क्योंकि यार मैं जब देखती हूँ ना और मैं सुनती हूँ ना उन छोटे छोटे बच्चों को, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा एक केस चल रहा है, मतलब उसके फादर जो हैं वो सुबह जब उठते हैं ड्रिंक करना शुरू करते हैं, जब तक वो ड्रिंक करते करते सोते नहीं है या गिरते नहीं है वो बॉटल नहीं छोड़ती, और जैसी आंख खुलती है फिर से उन्हें शराब चाहिए। उससे उस बच्चे की लाइफ खराब हो गई, उनकी वाइफ की लाइफ खराब हो गई, उसके जो ब्रदर सिस्टर है, सिबलिंग है, उनकी लाइफ खराब हो गई। ऐसे केसेस में क्या करें? बहुत सारे पेशेंट की ये कंप्लेंट आती है, मे बी आप में से भी कोई ऐसा हो जिसने अपने पापा को, दादा को, भाई को, आजकल तो लड़कियां भी पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं, मतलब एक ट्रेंड हो गया। बहुत रिसेंटली एक किस्सा था, तब मैंने बोला था, मैंने कहा यार ये क्या पतली सी सिगरेट आती है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया यार ये लड़कियों वाली आती है, लड़के भी आजकल ट्रेंड हो गया कि जब तक हाथ में सिगरेट ना हो तो आपका स्टेटस नहीं पता चलता। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आप अपने आप को हार्म कर रहे हो, आपको अपने आप को हार्म नहीं करना है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे तुलसी की, जिसकी हम पूजा करते हैं। तुलसी में मरकुरी प्रेजेंट होता है, पारद, ठीक है, और उसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो नशे की तलब को ख़त्म करते हैं। अब आपका सिंपल एक काम है कि जो भी व्यक्ति नशा कर रहा है किसी भी तरह का, आप उनको बोलो कि तुलसी के पत्ते 3-4 मुंह में रख के आपको धीरे धीरे करके उनको चूसना है, 15-20 मिनट में, जितनी देर में भी वो ख़त्म कर लें, इससे उनकी ना तलब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इलायची को लेके एक रेमेडी बताई थी, आप लोग जाके देखना उस रेमेडी को भी, ठीक है। पहली चीज़ होगी तुलसी के पत्ते। अब जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, एक्सट्रीम, मतलब एक तलब आ गई उनके अंदर कि नहीं यार हमें तो ना मतलब बस चाहिए, आपको पता है क्या करना है? अगर आप अपनी सिगरेट या उसको छोड़ना चाहते हो, आपने थोड़ी सी मुलेठी लेनी है, मुलेठी का एक टुकड़ा ले लो, ठीक है, जिसको हम लाइकोराइस बोलते हैं, मुलेठी को मुंह में रखा, उसको चूसते रहो, आपकी धीरे धीरे करके तलब खत्म होना शुरू हो जाएगी। तलब ही तो खत्म करनी है, ये तो सिग्नल दे रहा है, पर दिल का क्या करे, दिल तो हमेशा मरवाता है ना, ठीक है, या कई बार दिल की सुन ली तो फिर दिमाग ने साथ नहीं दिया, तो वो एक डायलेमा की जो कंडीशन डेवलप होती है ना, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो वहां पे आप मुलेठी लेना स्टार्ट करो। अब बात करूंगी उन लोगों की जो माँ बाप परेशान है, उन्हें नहीं पता उनका बच्चा कौन सा नशा करता है, पर जब भी माँ अपने बेटे को देखती है ना तो उसकी आंखें हमेशा चढ़ी होती हैं, लाल होती हैं, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई है घर पे कि माँ की पूरी रात भी रो के निकलती है। और पता है हकीकत बात है, आप में से बिना, मैं इस टाइम जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना, कम से कम 70% ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ का शिकार हैं, क्योंकि मैं डेली रूटीन में जिन पेशेंट्स को देखती हूँ ना, तो मैं खुद यार ऐसे हो जाती हूँ, जब वो इतना रोते हैं मेरे को खुद अंदर से लगता है कि यार क्यों बच्चे ऐसा करते हैं, मतलब माँ बाप का एक बार भी नहीं सोचते। तो अगर आप भी उन चीज़ों का हिस्सा हैं, ये रेमेडी स्टार्ट करो। इसके साथ में हमारी मेडिसिन आती है, आपको पेशेंट को बताना नहीं है, आपको पेशेंट कितना भी बोले मैं खुद से छोड़ना चाहता हूँ, मम्मी मेरे को कोई ऐसी दवाई दिलवा दो,
ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं आज से मैं आपकी सब बात मानूंगा, आप जो कहोगे मैं करूंगा, जो कहोगे मैं करूंगी, आप मुझे बता दो, आपको नहीं बताना है, क्योंकि जो हमने दवाई बनाई है ठीक है उसमें कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिससे उनको टेस्ट आए, जिससे उनको कलर आए। क्या करना है आप, जैसे हम पराठा बनाते हैं, एक नमकीन पराठा बनाते हैं, सिंपल एक पेड़ा लिया, उसमें थोड़ी सी दवाई मिलाई, रोटी बेली, एक रोटी में डाल के दे दिया, और 24 घंटे में एक बार देना है, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा और वो आराम से रोटी खा लेगा। बहुत लोगों के सवाल आएंगे, सिर्फ रोटी ही क्यों, दूध दही सब्जी में क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, अगर वो पाउडर नीचे रह गया फिर आटे में मिलाओगे वो आटे जैसा बन जाएगा, उसका कलर टेस्ट कुछ भी नहीं आएगा, और धीरे धीरे करके साइकोलॉजी पे वर्क करता है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा, चाहे मैंने होम रेमेडी बताई, जैसे मैंने तुलसी के बारे में बताया, जैसे मैंने मुलेठी के बारे में बताया, ये काम कहाँ करेगा, साइकोलॉजी पे, एंटी साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, धीरे धीरे वो तलब को ख़त्म करना शुरू कर देगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक रात में जादू हो जाएगा, मानो आपका जो पेशेंट है ठीक है वो 20 साल से ड्रिंक कर रहा है, या मानो 2 साल से भी कर रहा है, तब भी उसको ठीक करने में 6 महीने 1 साल का टाइम लगेगा। मानो आपके पेशेंट ने, मैंने बहुत सारे केसेस देखे, कभी भी ना हम टाइम फिक्स नहीं कर सकते मेडिकल साइंस में, मुझे नहीं पता लोग कैसे करते हैं, मैंने कभी नहीं किया, मेरे से कोई पूछता भी है तो मैं कहती हूँ यार मुझे तो खुद का नहीं पता कि मैं बीमार, अब मेरा एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली, मेरे अभी तक मतलब पूरा नीज पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है, वो टाइम लेके ही जाएगा। सेम विद एनी डिजीज, एनी सिंड्रोम, एनी एडिक्शन। आज मानो हमने दवाई शुरू की, कुछ लोगों में हफ्ते में असर होता है, कुछ में 10 दिन, किसी में 1 महीना, 3 महीने भी लगते हैं, वो अंदर से पहले काम करता है, फिर हम स्टार्ट हमेशा मिनिमल डोज से करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके वो तलब को खत्म करेगा, फिर धीरे धीरे करके बॉडी में ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी, मानो 3 महीने में छोड़ दिया, आपको दवाई तुरंत नहीं स्टॉप करनी है, मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे उसको बंद करूंगी, और 6 महीने 1 साल में लगभग पेशेंट पूरी तरह से छोड़ देगा। फिर आप पूछोगे क्या एक बार छोड़ने के बाद वो दोबारा शुरू करेगा, नहीं, हार्डली कोई 1% होगा यार, वहां फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, अगर किसी को आप जबरदस्ती वो ले ही रहा है तब अपने भी हाथ खड़े हैं, अदरवाइज इट्स बीन 7 ईयर, फ्रॉम द पास्ट 7 ईयर्स आई हैव सक्सेसफुली ट्रीटेड सो मेनी एडिक्टेड पेशेंट्स जिनकी हिस्ट्री अभी भी मेरे पास है, बट उसमें मैंने हार्डली कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसमें मैंने रीअकरेंस देखी, अदरवाइज जो परिवार कहीं ना कहीं बिखर गए थे, उजड़ गए थे, वो आज बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये रेमेडी स्टार्ट कराओ, उनको बोलो लीवर जो आपका खराब हो रहा है वो ठीक होगा, मुलेठी ले लो, मतलब समझा के उनको कैसे भी ये चीजें देना स्टार्ट करो, साथ में ये दवाई, कॉस्टिंग भी नॉमिनल है, एक बंदा 15-20 हज़ार यार खर्च कर देता है, हमारी जो एडिक्शन की मेडिसिन है उसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 3,000 रहती है मंथली, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रहती है, पर ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्टिंग रहती है, तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं जो लोग बहुत ज्यादा नशा करते हैं, बहुत एक्सट्रीम नशा, किसी भी चीज का नशा है, उनके लिए रामबाण क्या है, आपको क्या करना है, लौंग लेने हैं ठीक है, लौंग लेने और दालचीनी लेनी है, इसका पीस के पाउडर बना लो ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सुबह शाम जब भी आप उनको खाना दे रहे हो उसमें हल्का सा पिंच मिला दो, मसाले में मिला दो, वो इतना अच्छा काम करेगा, उसकी तीक्ष्ण प्रॉपर्टी है, वो ब्लड को क्लीन करते रहेंगे, तो उससे कोई भी नशे की उनकी जो तलब है ना वो खत्म होती रहेगी, वो कम होती रहेगी। मैं कह रही हूँ कि आप मेडिसिन के साथ रेमेडीज को ना कंटिन्यू करके देखो, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जहां इतने साल पेशेंट ने एडिक्शन किया ना, बस 6 महीने से 1 साल सब्र रखना, रिजल्ट के लिए भी मैंने कहा ना किसी में 1 हफ्ता लग सकता है, किसी में 6 महीने भी लग सकते हैं, आप सब्र रखोगे, सब्र रख सकते हो, तब आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना, आपको बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी, और बेस्ट रेमेडी के लिए तो हमारा चैनल है ही। आई होप कि ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल हो जो रोज रात को गूगल पे बैठ के सर्च करते हैं कि नशे को कैसे छुड़वाएं, जो रोज बेस्ट मेडिसिन फॉर डी एडिक्शन सर्च करते हैं, जिन्होंने बहुत तरह की मेडिसिन ले ली जिसको लेने से कभी उल्टी होगी, कभी चेहरा लाल हो गया, कभी स्किन एलर्जी होगी, रैशिस हो गए, हार्ट बीट बहुत तेज होगी, लेकिन हमारी दवाई से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप क्लिनिक विजिट करके भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, हर चीज के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आई होप कि मैंने आज तक जितने लोगों को ठीक किया है, बस आपके परिवार में भी उस चीज को ठीक कर पाऊं, और आप लोग इसी तरह से मुझे ब्लेसिंग देते रहें। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।